जैसे इंसान का मूड होता है जो बदलते रहता है, वैसे ही आजकल पार्टियों का भी मूड होता जा रहा है, पार्टियों का मूड भी बदलते रहता है। राजनीतिक दलों का दिल कब, कैसे और किधर बदल जाए को जाना तहे जग में। वही ओम प्रकाश राजभर जो कल तक भागीदारी संकल्प मोर्चा का दम भर रहे थे, वैसे के साथ गलबहिया कर रहे थे, वो सपाई अखिलेश के साथ एक ही मंच पर साथ आए। आए तो आए, ये दावा करके गए कि बीजेपी इतिहास और भावी सीएम उनके पास है। जब तक अखिलेश और राजभर का काफिला मऊ से निकलता, उससे पहले बीजेपी की तरफ से तीर की तरह एक बयान आया। योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने दावा कर दिया कि अखिलेश और राजभर के प्यार के पीछे माफिया डॉन मुख्तार है। और तो और, शुक्ल जी ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम देशों से फंडिंग हो रही है और ओम प्रकाश राजभर हिंदुओं को जाति जात में बांटने की साजिश रच रहे हैं। आज सियासी रण में बरस रहे हर आरोप पर करेंगे बेबाक बहस, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं तीन बड़े बयान। भजपैया कहा अनुकूल भजपैया कहना के रहने का करिहन समझा था ने? अच्छा ही बतावा, हनुमान जी लंका अकेला गल की दू जने अकेला जाके लंका जरा दे वाले। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम कहते हो रुपया नहीं, हम भर रही भर, ये जान जाओ हम जौने बिरादरी में पैदा ही, पूरे प्रदेश का खजाना जानत हुआ, जितना भारतीय जनता पार्टी दुई महीना में पूरा रुपया खर्चा करत हुई, उतना एक महीना में हमारे बिरादर खाली दारू पी जाला। भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने खोला था और ऐसा दरवाजा खोला कि उन्हें बहुमत मिल गया दोनों जगह पर। इस बार वही दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी बंद कर दे रहे हैं और लगा बचा जो उसमें लॉक लगना है वो हम लोग लगा देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश। भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है जिसे मोदी योगी जी की सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जो इस्लामिक आतंकवाद है, जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, दुनिया के जो मुस्लिम देश हैं वो इस प्रकार के लोगों को पैसे दे रहे हैं हिंदुओं को बांटने के लिए, और ये समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ओम प्रकाश राजभर का हमको सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पूरे खेल के पीछे माफिया सरगना मुख्तार अंसारी है। और सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, अखिलेश राजभर के प्यार के पीछे क्या मुख्तार है? वोट खींचने वाला गुट या हिंदू वोटों में फूट? जिस तरीके से यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि जिस तरीके से प्यार राजभर और अखिलेश में, इसके पीछे मुख्तार वोट खींचने वाला गुट या हिंदू वोटों में फूट? यूपी का MYR समीकरण साबित होगा कारगर, हिंदू वोटों को बांटने की साजिश है ये गठबंधन। एसपी को कोसने वाले ओवैसी को भी जोड़ेंगे राजभर, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में ओवैसी थे और वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर थे। हमारे साथ जुड़े हैं मेहमान सबसे बड़ा मुद्दा में, सबसे पहले परिचय करवा दे, राघवेंद्र सिंह जी नेता बीजेपी, इसके अलावा डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस और अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता SP। और सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का स्वागत है सबसे बड़ा मुद्दा में। चर्चा की शुरुआत अनुराग भदौरिया जी आपसे करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से ये आरोप लगा दिया कि ये गठबंधन मुख्तार के इशारे पर हुआ है और विदेशों से फंडिंग हो रही है, इस गठबंधन को लेकर पहले तो आपसे जवाब चाहिए इस आरोप पर। तो इसके मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी निकम्मी है, भ्रष्टाचारी सरकार है जो यही नहीं पकड़ पाती पैसा कहाँ से आता है, इसके मतलब भ्रष्टाचार है। योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार है, पहले तो इस सरकार की बुराई होनी चाहिए। दूसरी बात, जब अभी राजभर जी पिछले बार उनके यहाँ कैबिनेट मंत्री थे तब पैसा कहाँ से आ रहा था, और जब उनके साथ जब चुनाव लड़ रहे थे पिछले विधानसभा में तब पैसा कहाँ से आ रहा था? विदेशी फंडिंग थी भारतीय जनता पार्टी, इसी मतलब विदेशी फंडिंग लेके आई थी क्या? किसके साथ फंडिंग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बदभास हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अपना बदभास में अपना होश खो चुके हैं। उन्हें पता है हार का डर इस कदर सताने लगा है कि आप तो MYR बात कर रहे हो, यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी के साथ आ गया है। अच्छा। क्योंकि वो जानते हैं कि यही है जो लोग उत्तर प्रदेश में न्याय की बात कर सकते हैं, वरना ये लोग तो रात के अंधेरे में कहीं पुलिस जाके होटल में ठोक दे रही है, कहीं रास्ता चलते ठोक दे रही है, कहीं महिलाओं का चिरहरण हो रहा है। उनके कैबिनेट गृह
राजेंद्र साहब आपका जवाब हो गया, आप सुन लेते हैं। उनके बेटे श्री राजेंद्र सिंह जी लोगों को रोन दिया जा रहा है, सुन तो लीजिए, कहीं कोविड काल में लोगों की मौतें हो जा रही हैं, कहीं पे यहाँ पे राजेंद्र सिंह जी शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई नहीं है, उल्टे अब समाजवादी पार्टी का आरोप है। महंगाई बेरोजगारी की इंतहा, सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, राजेंद्र सिंह जी बीजेपी साफ, राघवेंद्र सिंह जी बोलिए। अनुराग जी भाई यही तो एक कमी, राघवेंद्र सिंह क्या बताएंगे, बीजेपी साफ हो गई, चलते हैं तो फिर रुकते नहीं है, बीजेपी साफ, राघवेंद्र जी आ जाओ, कहाँ चक्कर पड़े हो, आ जाओ समाजवादी में, आपका भी मन कर रहा होगा, आइए हम आपको टीवी चैनल के माध्यम से बताइए, जाइए वहाँ कुछ नहीं बताया, सुन लीजिए आपका स्वागत है, अनुराग जी सुन लीजिए आप, अरे जल्दी आइए भैया, काहे परेशान है, कहाँ परेशान है आप, आ जाइए भैया इधर ही आ जाइए, वहाँ विकास विकास नहीं ला पा रहे हो, वहाँ तो राघवेंद्र सिंह जी जो आरोप अब लगाए जा रहे हैं राहुल जी, उस पर जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि अगर सवाल समाजवादी पार्टी से पूछेंगे फंडिंग को लेकर या मुख्तार के इशारे पर इस गठबंधन को लेकर, तो जवाब नहीं मिलने वाला, आखिर किस आधार पर ये कहा जा रहा है जी। अरे भाई उनसे पूछो ना, उनसे पूछो कि उनके साथ अब तक थे सरकार में मंत्री थे, तो आप सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, सुन तो लीजिए, ऐसे पर जांच भी हो रही है और इस विषय को लेकर के, अरे धैर्य रखिए अनुराग जी, अनुराग जी डर गए हैं, ओम प्रकार राजभर जी सबसे पहले तो हमारे दरवाजे पर आए थे भाई, ओम प्रकार राजभर सबसे पहले हमारे दरवाजे पर आए थे, पिछले दो वर्षों से हमारे साथ मिलने का प्रयास कर रहे थे, अरे अनुराग जी डर गए, अनुराग जी शांत रहिए थोड़ा, अरे पता है आप लोग अधीर हो चुके हैं, आप लोग इस प्रकार से कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसे सरकार बनती है क्या बीजेपी, आप कैसे आप अपना घोषणा पत्र बनाएंगे भाई, वो प्रकार राजभर जैसे लोगों को आप शामिल कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हमारे समाज के लोग शराब पीते हैं, उत्तर प्रदेश का दो महीने का इतना बजट होता है, उतना हमारे जवाब होना दीजिए बीजेपी के नेता की तरफ से, सरकार क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी मौजूद है, अनुराग भदौरिया जी हो अल्लाह ज्यादा करते हैं, बातें कम होती है, जरा सुन लीजिए आप, देख चुकी है भदौरिया जी पिछली सरकार में आप लोगों ने आखिर भ्रष्टाचार तो गठबंधन ही गठबंधन हो रहा है, ऐसा कोई पांच साल की सरकार के बाद भी गठबंधन कर रहे हैं, ये इतने डरे हुए हैं, समझो हेलीकॉप्टर से जिस समय घूमा करते थे तो रोज हो रहा है, जेलों के सीसों के पीछे सरेआम रोन दिया जा रहा है, सरकार जो है ठोक दिया जा रहा है, करोड़ों की संपत्ति सरेआम चिररन हो रहा है, या तो सरेआम मारपीट हो रही है, चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार अपहरण तेजी से बढ़ा हुआ है, या तो अनुराग जी आप पैदा हो गए, शांत होने वाले नहीं है, ठीक है डॉली शर्मा जी 2017 में अनुराग 2017 में अखिलेश और राहुल एक साथ थे, लेकिन अखिलेश का कहना कि हम बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, इसलिए छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, राजभर की पार्टी उनके साथ है, ठीक है राघवेंद्र सिंह जी जरा शांत हो जाइए, और अनुराग जी आप भी, भाजपा कांग्रेस किस तरीके से देखती है, नहीं भारतीय जनता पार्टी गई ऐसी पार्टी रही है जिसने हर जाति हर धर्म को सम्मान दिया है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, कांग्रेस ने हमेशा से हर जाति हर वर्ग को सम्मान दिया है, और आज भी कांग्रेस हमेशा ये कहती है और इसी नीति पर चलती है कि हम लोग जो है सबको विभिन्न जातियों को एक साथ लेकर चलते हैं और सबके विकास के बारे में बात करते हैं, ये अगड़ा पिछड़ा इन सब पे कांग्रेस विश्वास नहीं रखती, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, जाहिर तौर पर अगर सबको साथ लेकर चलने में कांग्रेस विश्वास रखती तो आज क्षेत्रीय पार्टी नव भर्ती और क्षेत्रीय पार्टियों के नाम पर जो तमाम चीजें हो रही है, जातिगत आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है सब जानते हैं, और जिस तरीके से चाहे यूपी हो या बिहार हो या दूसरे राज्य हो, वैक्यूम कांग्रेस का ही खोला गया है, 2017 को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, कांग्रेस ने यादवों को भी सम्मान दिया है, मैं तो इस बार क्यों पूछ नहीं हो रही है कांग्रेस की, सम्मान करती हूँ, पूछा क्यों नहीं जा रहा है कांग्रेस को, डॉली शर्मा जी कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया, डॉली शर्मा जी राजभर ने अखिलेश यादव को पूछ लिया, कांग्रेस को नहीं पूछा, यानी कि समाजवादी पार्टी बड़ी है कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी वो उनकी इच्छा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी बात पर अड़िग है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, ये मैं बार बार कहूंगी, हमेशा कहूंगी, हम ठीक है। डॉक्टर उमा शंकर राजभर जी प्रवक्ता एसपीएसपी हमारे साथ चर्चा के बीच में जुड़ रहे हैं, डॉक्टर उमा शंकर राजभर जी क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा अभी भी बरकरार है,
अभी भी राहुल जी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, अभी भी बरकरार है, अभी भी आप केवल ठीक है आगे होता क्या, ठीक है सर, आगे आगे का भविष्य आप तय कीजिए, आप उसकी बात कीजिए, लेकिन एक सवाल इस बीच ये भी उठता है कि अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा बना हुआ है तो ओवैसी साहब कहाँ हैं? आज इस मंच पे ओवैसी साहब भी दिखने चाहिए। ओवैसी साहब मुजफ्फरनगर से निशाने पर समाजवादी पार्टी को ले रहे हैं, तो ये भागीदारी संकल्प मोर्चा आखिर है क्या? समझ से परे, समझ में नहीं आ रहा। मैंने समझ में आ जाएगा, ज्यादा नहीं, अब एक महीने बाद देखिए, जो है एक महीने के बाद जो है आपको पूरा नजर सब नजारा, यानी कि ओवैसी समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं, वो मुजफ्फरनगर दंगे का मामला नहीं उठाएंगे, वो मुस्लिम वोटों का मामला नहीं उठाएंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि पिछली सरकार में 2017 में 70-80 विधायक थे लेकिन किसी ने मुसलमानों की बात नहीं की। इन्हीं कारणों पर चाहे ओवैसी जी हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी हो, चाहे कृष्णा पटेल जी हो, नहीं आ पाई, लेकिन इस बात को आप मानिए कि आगे वाले मीटिंग में यही बीजेपी के प्रवक्ता है यार, भागीदारी संकल्प मोर्चा अभी भी साथ में रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। जो है भाई बीजेपी के प्रवक्ता को ही बोल लेने दो। अनुराग भदौरिया जी, सवाल इस बात को लेकर है, बीजेपी के प्रवक्ता भैया आप भी सुन लीजिए, आप ही सारी बात नहीं करने बैठे हैं, जो है सुन लीजिए, नहीं आप भी सुन लीजिए, सवाल आप सुनिए, प्रवक्ता प्रवक्ता आप हैं, आप सवाल करेंगे कि जवाब देंगे? समाजवादी पार्टी आप प्रवक्ता, आप प्रवक्ता की सवाल का जवाब देंगे? राहुल जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी है, आरजक पार्टी है, जैसे ये लोग आरजकता टीवी डिबेट में दिखाते हैं, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी है। बोल रहे थे तो आप टोक रहे थे। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी देखिए बीजेपी ओम प्रकाश, ठीक है बात तो सुन लीजिए, सवाल इस गठबंधन को लेकर है, सवाल भागीदारी मोर्चे को लेकर है, अगर सवाल सुनना चाहते हैं तो सुनिए, ना सुनना चाहते तो मना कर दीजिए, दूसरे मेहमान पर चले जाए, वक्त जाया क्यों करें? बोलिए ना, कहा को चिल्ला रहे हो, चिल्ला तो आप रहे हैं, जब से शुरू हुआ है तो सुन जाता है, जब बीजेपी जब से चर्चा शुरू हुई है आप चिल्लाए चले जा रहे हैं, सवाल आपका बस यही है कि चले डिबेट शो में चले, हल्ला मचा के चलते बने। अरे अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अब सवाल सुनेंगे, सवाल सुनेंगे, आज तो बड़ा खुश है ना, राजभर के साथ गठबंधन हो गया, ये खुशी देखिए किस तरीके से चेहरे पर है। ओवैसी साहब कब मंच पर आएंगे अखिलेश यादव के साथ? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल क्यों नहीं, सवाल ये है अभी, सवाल बीजेपी के सवाल ये क्यों नहीं है, दंगा पता नहीं क्या क्या, सुन तो लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, आपने सवाल मैं नहीं बोलने दूंगा, आप सुन लीजिए, मैं नहीं बोलने दूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सुनाओगे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल पूछ लो आप, कितनी बार सवाल पूछे, आप बोलो, रिपीट करते रहे, आप फर्जी हो, मां फर्जी हो, बीजेपी के चापलूस हो, आप फर्जी हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फर्जी हैं, आप एंकर को टारगेट ना कीजिए, आपसे सवाल किया जा रहा है, जवाब नहीं दे रहे हैं, वो हल्ला करने बैठे हैं, आप बोलने नहीं दोगे, बोलने क्या दे, आप सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, अनुराग भदौरिया बैठे हो यहाँ पे, आप चिल्ला रहे गला फाड़ के, आप बीजेपी के, आप सवाल का जवाब दो, जवाब दीजिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा है, अगर ये छोटे दलों से अगर गठबंधन है वैसे के साथ कर रहे हैं, मुझे बोलने, अब मैं बोलूं तो पहले हल्ला मचा लीजिए, फिर कहिए कि बोलने दीजिए, बोलिए कि बीजेपी के प्रवक्ता रहोगे, अरे क्या बोलने दो, अरे हल्ला आप मचा लो, क्योंकि आपको बीजेपी की बैटिंग करनी है, नो बॉल पे ही बैटिंग कर रहे हो, शर्म भी नहीं आ रही है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में महंगाई, राजवेंद्र सिंह जी पूछ लो बीजेपी से, राजवेंद्र सिंह जी अनुराग भदौरिया जी नहीं पूछ पा रहे, संपादक बन जाइए, जवाब बीजेपी से, संपादक बन जाइए, महंगाई पे बेरोजगारी पे सवाल पूछो, आप यहाँ पे जवाब दीजिए, सवाल पूछो यहाँ पे किस तरह से यहाँ किसानों को आप चर्चा कम करते हो, अल्लाह ज्यादा करते हैं, सवाल नहीं पूछ पा रहे हो, पीछे रहिए, सवाल नहीं पूछ पा रहे, बधाई आपको, आप लोग बधाई, राहुल जी आपको बधाई, आप सवाल मत पूछना बीजेपी से, आपको बहुत बहुत बधाई, यही ट्रेनिंग और ताली सुन लो लोगों की, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोगों को आप टीवी डिबेट में जाइए, ऐसे ही हल्ला मचाइए, ताली पीटते रहिए, आप सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे, आप यहाँ पे अर्थव्यवस्था, आप सवाल का जवाब देंगे कि नहीं, आपकी हिम्मत ही नहीं है, आपकी आप सवाल का आप में हिम्मत नहीं है कि इन सवाल का जवाब आप दे दे, अखिलेश यादव दे दे, या समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता दे दे, चलो आप बस हल्ला मचा के आज खुश हुए, वक्त जाया कीजिए, प्रोग्राम से खुश हुए महाराज, खुश हुए आपके प्रोग्राम से, क्योंकि महंगाई पे हमने नहीं पूछा,
बेरोजगारी पे नहीं पूछा, यहाँ मेडिकल हॉस्पिटलों पे नहीं पूछा, कोविड काल में लोगों की मौतों पे नहीं पूछा, जहरीली शराब लोगों की मौतों ने नहीं पूछा। अरे आप क्या नाग जी, शर्म करिए। आपकी जब 2017 में सरकार गई थी, आपको बता बेरोजगारी 17% थी। अरे अनुराग जी, नहीं पूछा अनुराग जी, वर्तमान में 6% बेरोजगारी दर है। चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस चर्चा को खत्म करें अनुराग भदौरिया जी, हल्ला कम कीजिए, बातें ज्यादा करेंगे तो अच्छा लगेगा, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे तो बेहतर होगा जनता के लिए। जाहिर तौर पर एक मंच पर जिस तरीके से अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर आए, ये कहना है कि आप बीजेपी भूतकाल होने जा रही है और भविष्य के मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सवाल ओवैसी को लेकर भी है, अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा है तो ओवैसी साहब कहां है? जिस तरीके से बीजेपी के एक बड़े नेता ने आरोप लगाया है, इसकी भी सत्यता सामने आनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।